खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं, जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोरिसा पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमरीकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की फिर से रूस की यात्रा होनी है, और उसकी बड़ी वजह है ब्रिक्स की जो मीटिंग है वह रूस में ही है। और एज ए होस्ट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को, यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ब्रिक्स मीटिंग में अटेंड करने के लिए इन्विटेशन भेजा, जिसको कि भारत की तरफ से कन्फर्म कर दिया गया। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का भी दर्द है कि अभी SCO की भी मीटिंग हो रही है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, और इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही, बल्कि मोदी जी के यूक्रेन विजिट से आते ही पाकिस्तान की तरफ से इनविटेशन आया भारत को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर होना है। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, और ऑब्वियसली मोदी जी तो पाकिस्तान जाने से रहे, जिसका दर्द पाकिस्तानी मीडिया को अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं। रशिया वो जाएंगे ब्रिक्स अटेंड करने के लिए, और रशिया जाने के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। अब रशिया में ये समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट, हम पहले से जानते हैं। लेकिन इससे पहले न्योता गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा है मोदी साहब को कि वो तशरीफ लेके जाएं पाकिस्तान और अटेंड करें SCO समिट। उसके लिए आप ना ही समझें, क्योंकि उसके लिए कोई यस नहीं किया गया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फौरन यस कर दिया है। हालांकि SCO ब्रिक्स से पहले और ब्रिक्स बाद में है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स का कंफर्मेशन दे दी गई कि जी मोदी साहब रशिया जा रहे हैं और वो वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। अब देखें, एक तो इसका कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ब्रिक्स एक बड़ी समिट है। आप जानते हैं ब्रिक्स में दुनिया की कौन कौन सी पावर, वैसे तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें अब पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि कितने ही कंट्रीज जिनको इंडिया ने शामिल करवाया है, ब्रिक्स के अंदर दाखिल करवाया है, पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का, तमाम इश्यूज का जो रिजॉल्व करने का तरीका इंडिया के पास है, इंडिया पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में ले जा चुका होता अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते। ये हाथ पांव मारने की जरूरत ही ना पड़ती। सिर्फ एक बार कहते आप मोदी साहब को कि मोदी साहब आपके हमसाये हम भी चाहते हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हों, आपने अफ्रीकन कंट्रीज को और कितने ही एशियन कंट्रीज को उसके अंदर शामिल करवा दिया, तो हम भी शामिल होना चाहते हैं, तो जरूर जो है वो शामिल होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिर्फ ये नहीं है कि वो जाएंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, बल्कि इसके ऊपर खबर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके बायलेटरल इश्यूज और खासतौर पर काफी एग्रीमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू होनी है। काफी एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के इस विजिट, मोदी साहब के ये जो अब विजिट आने लगा है अक्टूबर में, इसमें भी एग्रीमेंट्स होंगे। और जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोरिसा पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। ये जो विजिट है ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक मूव लेकर चले हैं मोदी साहब, उसके लिए भी बहुत अहम है। बहुत ऐसी बहुत सारी डिटेल सामने आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहां पर पहुंच कर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है
कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुटिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट।